नमस्कार मित्रों, ओएलआई में आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक अध्याय त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति बिल्कुल ही आपके लिए एक नया अध्याय है, तो आज शुरुआत हम इसके परिचय से करेंगे। फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे और पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं हम ये देखेंगे। अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसकी अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हमें एक त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी लें जिसमें कोण बी है वो समकोण है, और यदि हम कोण ए की तरफ से देखें तो कोण ए के विपरीत वाली भुजा बीसी को हम कोण ए की सम्मुख भुजा कहेंगे। एबी को कोण ए की संलग्न भुजा कहेंगे क्योंकि वह कोण ए का एक भाग है। एसी जो है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। दोस्तों, कोण के बदलने से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में परिवर्तन आता है, किंतु कर्ण किसी भी त्रिभुज का हमेशा वही रहता है। तो यहीं पर यदि हम कोण सी लेते हैं तो ए बी जो है वो सम्मुख भुजा हो जाएगी, ए सी कर्ण भुजा हो जाएगी और बी सी संलग्न भुजा हो जाएगी। तो यदि आपको पहली बातें अच्छे से समझ आ गई हैं, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करेंगे वह कोण ए के लिए होगा। दोस्तों, कुल छह तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन ए जो कोण ए के सम्मुख भुजा व कर्ण का अनुपात होता है, यहाँ पर वह बीसी और एसी का अनुपात के बराबर है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कॉस होता है, जो संलग्न भुजा व कर्ण का अनुपात होता है। तीसरा टैन, जो सम्मुख भुजा व संलग्न भुजा का अनुपात होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इसलिए टैन जो होगा वह साइन और कॉस का अनुपात होगा। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक होता है, जो साइन का व्युत्क्रम होता है। पांचवा कॉट होता है, जो टैन का व्युत्क्रम होता है, और छठा सेक जो कॉस का व्युत्क्रम होता है। दोस्तों, साइन कॉस टैन जितने भी हैं सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इनमें तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक त्रिभुज की लंबाइयों का अनुपात समान बना रहे। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज एपीएम और त्रिभुज एसीबी। त्रिभुज एपीएम और त्रिभुज एसीबी समरूप हैं, जिसके कारण एएम और एबी का अनुपात एबी एपी और एसी के अनुपात के बराबर होगा, जो पीएम और बीसी के अनुपात के बराबर होगा, और इसलिए हम साइन कॉस टैन यदि समकोण त्रिभुज AMP में लगाएं और समकोण त्रिभुज ABC में लगाएं तो साइन कॉस टैन ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इन दोनों त्रिभुज के लिए समान होंगे, क्योंकि इनके भुजाओं की जो अनुपात है वह समान है। दोस्तों, गौर करने वाली एक और बात है, कॉट A जो है या फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात वह कभी भी उस त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण का गुणफलन नहीं होता है, इसलिए हम कॉट ए को कॉट गुणा ए नहीं लिख सकते। और दूसरी गौर करने वाली बात यह है, यदि आपको याद हो तो हमने बताया था कि कोसेक ए जो होता है वह साइन ए का व्युत्क्रम होता है, तो उसे हम साइन की घात माइनस एक नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब कुछ और होता है जिसे आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार एवं ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होती है। यह प्रमेय अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब हमें एक समकोण त्रिभुज में कोई भुजा का माप ज्ञात नहीं होता है। यहाँ पर AB आधार है और BC ऊंचाई है और AC
कर्ण है। एक त्रिकोणमिति अनुपात से सभी त्रिकोणमिति अनुपात का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि साइन ए 3/5 है, तो बीसी को यदि हम 3k के बराबर माने तो एसी 5k होगा, जहां k अनुपातिकता का कारक है, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। एबी को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, जो 4k के बराबर आ जाएगा। तो हमें कॉस ए का पता लगाना है। तो दोस्तों, कॉस ए जो होगा वो एबी बटे एसी के बराबर होगा, जो कि 4/5 आ जाएगा। उसी प्रकार टैन ए का पता लगा लेंगे, जो बीसी बटे एबी के बराबर होगा, जो 3/4 आ जाएगा। दोस्तों, उसी प्रकार हमें कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए का पता लगाना है, तो यह 16/25 जोड़ 9/25 यानी 1 के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए हमेशा ही 1 के बराबर होता है, जो आप अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यदि टैन ए 1 के बराबर है, तो हमें यह सत्यापित करना है कि 2 sin a cos a जो होगा वह 1 के बराबर होगा। दोस्तों, इस त्रिभुज में टैन ए जो है वह बीसी बटे ए बी के बराबर होगा। तो बीसी को हम ए बी के बराबर मान सकते हैं, जो कि के बराबर मान सकते हैं। ए सी जो है वह K√2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 sin a cos a जो है वह हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए इस त्रिभुज में बीसी बटे एसी के बराबर होगा और कॉस ए ए बी बटे एसी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से 2 sin a cos a जो है वह 1 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने यह सत्यापित कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिए हुए हैं, जिन्हें आपको याद रखना होगा। इनमें कुछ गौर करने वाली बातें हैं। जैसे यदि हम कोण का मान बढ़ा रहे हैं, तो जो साइन का मान है वह भी बढ़ रहा है, परंतु कॉस का मान घट रहा है। यहाँ पर वही बातें दोहराई गई हैं। कोण में वृद्धि होने के साथ साइन का मान बढ़ रहा है और कोण में वृद्धि होने के साथ कॉस का मान घटता है। पर दोस्तों, साइन और कॉस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी मान होगा वह हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। यहाँ पर एक उदाहरण है। यदि साइन ए माइनस बी 1/2 के बराबर है और कॉस ए प्लस बी 1/2 के बराबर है, जहाँ ए प्लस बी जो है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें ए और बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि मान याद हो, तो साइन जो है वो 1/2 30 डिग्री के लिए होता है, तो ए माइनस बी 30 डिग्री के बराबर होगा, और उसी तरह से ए प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों को हल करने के बाद हमारा ए 45 डिग्री और बी 15 डिग्री आता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। पूरक कोण, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यदि हम त्रिभुज ए बी सी में देखें, तो ए और सी एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो इस प्रकार से sin 90 - a sin c, जो कि ए बी बटे ए सी के बराबर होगा, जो कि कॉस ए के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि cos 90 - a sin a के बराबर होता है, tan 90 - a cot a, cot 90 - a tan a, और उसी प्रकार से sec 90 - a cos a k के बराबर होगा। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे sin 40 - cos 50 को हम cos 90 - 40 - cos 50 लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर 1 के बराबर आ जाएगा। अगले उदाहरण में हमें cosec 53 जोड़ sec 67 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में व्यक्त करना है। तो दोस्तों, हम cosec 53 को sec 90 - 53 और sec 67 को cosec 90 - 67 लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर sec 37 - cosec 23 डिग्री आ जाएगा। अगले उदाहरण में यदि ए और बी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण हैं, तो हमें यह दिखाना है कि साइन बी जोड़ सी 2 cos a 2 के बराबर होगा।
तो दोस्तों, क्योंकि ए बी और सी जो है वह एक त्रिभुज के आंतरिक कोण है, तो ए बी सी का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बी जोड़ सी को हम 180 माइनस एक डिग्री लिख सक ए डिग्री लिख सकते हैं। तो बी जोड़ सी बटे दो 180 माइनस ए बटे दो के बराबर आ जाएगा। इससे साइन बी जोड़ सी बटे दो साइन 180 माइनस ए बटे दो के बराबर आ जाएगा, जिससे हमारा उत्तर साइन बी जोड़ सी बटे दो कॉस ए बटे दो के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, यही था प्रश्न और यही हमें प्रूफ यानी दिखाना था। ये कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसमें साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स वन होता है, 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा कोसेक स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। इस प्रश्न में हमें 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा का प्रयोग करके यह सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होगा। दोस्तों, जो बाई ओर लिखा है हम उसे ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देके इस रूप में लिख सकते हैं, जो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर और नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा कर सकते हैं, जिसके बाद हमें इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा का टर्म आ जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न में यह दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 के बराबर होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे हमारा जो फाइनल उत्तर जो है वह 1 बटे sec थीटा माइनस टैन थीटा आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने यह सिद्ध या सत्यापित जो भी आप कहें वह कर दिया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैं त्रिकोणमिति समझाने में सफल रही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि OLI को आपका समर्थन मिलता रहेगा।